हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज के हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट ए सिम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम डिजाइनर्स को वहाँ पर आती है जहाँ पर उनको बनी हुई डिज़ाइन का सैंपल तैयार करके, मीन्स किसी एक मॉडल के ऊपर अपनी डिज़ाइन को लगा के और पार्टी को शो कराना होता है। तो वहाँ पर ज़्यादा तकलीफ होता है कि वो डिज़ाइन कपड़े में बनने के बाद सामने वाले इंसान पे कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा। तो इस तरीके की सैंपल्स को हम कैसे तैयार कर सकते हैं और पार्टी को समझा सकते हैं। जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल, ये मैंने एक सैंपल तैयार किया है, मीन्स मैंने इस सूट को तैयार किया है, मीन्स इसकी एक डिज़ाइन अलग से हमारे पास अवेलेबल है और उसको मैंने एक फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड की और डाउनलोड की हुई फ़ोटो के ऊपर मैंने इस डिज़ाइन को अप्लाई किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसी ही डिज़ाइन को, मीन्स इस सूट के डिज़ाइन को यहाँ पर इस सैंपल के ऊपर मैंने अप्लाई करके इसे रेडी किया है। अब आप इस चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर लेते हैं, मीन्स चालू कर लेते हैं। चालू करने से पहले आप इंटरनेट से कुछ प्लान, मीन्स जिसमें किसी भी प्रकार का डिज़ाइन अवेलेबल नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन वाइट कलर में एक आप सूट का सैंपल इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। क्योंकि जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो अब हम उसी के आधार पर उसे तैयार करेंगे। जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल मैंने इसे यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप सेकेंड स्टेप क्या करें कि आप यहाँ पर इमेज साइज में आके इसका जो रेजुलेशन से उसको 150 पिक्सल में अप्लाई कर लें। अप्लाई करने से ये होगा कि इसकी थोड़ी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी और आपको पिक्सल इसमें व्यवस्थित दिखाई देगा। फिर उसके बाद लेयर सेक्शन में आके इसके लॉक को ओपन कर देना है। लॉक ओपन करने के बाद अब आपका यहाँ पर मेन स्टेप चालू होता है कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से ले लेना है मैजिक क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपको यहाँ पर इस सूट के एरिया को सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी जाएगा तो उसे आप इग्नोर कीजिए और उसे अल्टर दबा के उसे कम कर दीजिए, क्योंकि हमें इस एक्स्ट्रा पोर्शंस की यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हैंड पोजीशन भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ इसके सूट का ही एरिया सिलेक्शन करना है। तो इस साइड से भी हम उसके हैंड पोजीशन को रिमूव कर देंगे। अगर वो एक्स्ट्रा अंदर चला गया है तो सेम शिफ्ट दबा के उसको बाहर की ओर सिलेक्शन ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेने के बाद आपका ये एक सैंपल सूट का ऊपर से हो चुका है सिलेक्शन। अब आपको करना क्या होगा कि इस लेयर का कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट बना लीजिए, देखेंगे तो कि आपको इसका एक कटआउट आपको नज़र आ रहा है। सेम टू सेम हमें वॉक करना है उसके हैंड के लिए, तो हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और उसके हैंड के एरिया को सेलेक्ट करते हैं। जितना सिलेक्शन हमने छोड़ा था सेम उसी के आधार से हमें इसका हैंड पोजीशन भी ले लेना है। थोड़ा बारीकी से काम होगा तो आप थोड़ी सी मेहनत करके सिलेक्शन, जितना आप परफेक्ट सिलेक्शन करेंगे उतना ही सैंपल आपका परफेक्ट तैयार होगा। सेम टू सेम सेकेंड हैंड को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो अल्टर दबा के आगे से थोड़ा हल्का हल्का माइनर कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ से आपका ये सिलेक्शन हो चुका है कंप्लीट और इसको भी हम कंट्रोल ये करके इसको निकालें। इसको निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो इसका नाम भी आप रख सकते हैं कि सूट एंड इसका नाम मैंने रख दिया है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सूट वाले एरिया को सेलेक्ट करके कंट्रोल एम प्रेस किया तो मेरे को मिल जाता है कैनवास
और यहाँ से इसे कर देंगे थोड़ा सा हल्का डार्क। ऊपर हल्का डार्क करने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो साइडो इफेक्ट बनेंगे वो मुझे यहाँ पे दिखने चाहिए। देन आफ्टर ओके, सेम टू सेम हैंड में करना है आपको कि जब तक आपको आपके सूट में वो सेक्शंस नज़र नहीं आएंगे तब तक वो आपको बैठा लगेंगे। दोनों काम हो जाने के बाद अब हमने जो सैंपल निकाला था सूट का, हम उसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हम आते हैं अपने डिज़ाइन वाले सेक्शंस में और जहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है ये रहा पोर्शन, इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करके मैं यहाँ पर ला के छोड़ूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल बन गया, तो इसे आप रिमूव ना करें। क्यों ना करें उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस लिए। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि इसके ओपेसिटी को कर देते हैं हल्का, इससे कि मुझे पीछे का सैंपल दिखाई देता रहेगा। फिर कंट्रोल सी करके इसकी साइज़ को करेंगे हम रिड्यूस, मतलब छोटा करेंगे, और सलेक्शन करके एकदम व्यवस्थित लेके जाएंगे और जूम करके भी हम यहाँ से देख लेंगे कि कहाँ से मुझे कितना सही से उसे एडजस्टमेंट करना है। अब इसको हम कर देते हैं राइट क्लिक करके क्लिप मार्क्स। तो जैसे क्लिप मार्क्स करोगे तो वो जो हमने डिज़ाइन का सूट का एरिया कटआउट किया था वो उसके अंदर फिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो अभी ये रखने के बाद उतना बेहतर नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे कैनवा। और कैनवा लेने के बाद यहाँ पर हम 4x4 का सेक्शन ले लेंगे और यहाँ से हम उसे जैसे चाहें वैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे इसे थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से सेट करना है, यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा स्टिच कराना है कि जिससे ये व्यवस्थित सेट हो जाए। एंड आफ्टर नीचे सेक्शंस में चलेंगे तो हम यहाँ से भी इसे थोड़ा थोड़ा रिमूव करेंगे, ये एकदम सही से इसमें लगे कि ये इसी का ही हिस्सा है। अब हम आते हैं नीचे वाले पोर्शन में अगर आप देखें तो ये ऊपर नीचे है, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, यहाँ से भी नीचे की ओर ले लेंगे और यहाँ से भी नीचे की ओर ट्रैक करेंगे। जितना हो सके उतना इसे व्यवस्थित दिखाने की कोशिश करें आप, सैंपल वैसे बेहतर लगना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसे सही तरीके से सेट कर दिया है। अब उसके बाद मैं इसे करता हूँ इंटर। ये मैंने इसके ऊपर के पोर्शन को रख दिया, लेकिन अभी पे आपको डार्कनेस और लाइटनेस का कोई रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आता है, तो इसको हम बाद में करेंगे। तो हम पहले इसके हैंड पोजीशन में भी सेम सैंपल को रख लेते हैं, तो कंट्रोल जे करके इसी को लेंगे और इसे ड्रैग करके हैंड वाले एरिया के ऊपर लेयर रखेंगे, हैंड की लेयर से ऊपर की लेयर में, फिर राइट क्लिक करके इसको क्रिएट क्लिप मार्क कर देंगे। तो उसके बाद मैं इसे कंट्रोल टी करूँगा और यहाँ पर उसका फ्लावर वाला सेक्शन और हैंड के पोजिशन को मैं यहाँ पर सेट करूँगा। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा हो तो उसे थोड़ा सा माइनर करके रख। देन आफ्टर उसी का सेकेंड सैंपल बनाएंगे, फिर उसको क्लिप मार्क्स कर देंगे और उसी लेयर को सेलेक्ट करके हम इस वाले हैंड पोजीशन पर लेते हैं और इसे जूम करेंगे कि हमारा सही तरीके से रख जाए। रखने के बाद आप इसे ओके कर दीजिए। तो आप अगर देखेंगे तो हैंड पे भी मैंने ऐसे राइट रख दिया है। अब इसके अंदर रिफ्लेक्शंस कैसे लाना है, तो आपको सूट के ऊपर वाली जो लेयर है जिसमें मैंने सूट का डिज़ाइन रखा था, उस पर आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ से नॉर्मल सिलेक्शन की जगह पर आपको लाइनर ब्लर लेना है। और भी आप सैंपल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो बेहतर लगे आपको वही लेना है। इससे क्या है कि
आउटलाइन और डार्क आपको नज़र आएगी आपके स्क्रीन। तो मैं यहाँ से लाइनर ब्लर भी लूँगा, फिर इसमें लाइटनेस हम ला सकते हैं। तो इसमें भी हम सेम टू सेम वही वर्क करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसकी जो आउटलाइन थी यहाँ पर वो आपको नज़र आ रही है, एकदम परफेक्टली आउटलाइन नज़र आ रही है कि किस तरीके से। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही कि ये अब सैंपल तो बन गया है लेकिन अब इसमें हमें लाइटनेस चाहिए होगी। तो अब इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना के इसे मर्ज कर दीजिए। मर्ज क्यों करना है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा लाइटनेस चाहिए होगा। तो मैं इसे सेलेक्ट करके फिल्टर में एक नया ऑप्शन है कैमरा रो फिल्टर, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कर देते हैं और यहाँ पे जस्ट नीचे जाएंगे तो इसमें पहले मैं थोड़ी सी क्लियरिटी को क्लियर करूँगा और यहाँ से अलग अलग सैंपल के हिसाब से इसके लाइटनेस, ब्राइटनेस, हाईलाइट, कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करके इसे मैं एडजस्ट करके ओके करूँगा। तो देखिए अब पहले से ये एकदम बेहतर सैंपल आपका तैयार हो चुका है, एकदम परफेक्टली आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना व्यवस्थित मैंने सैंपल तैयार किया हो। तो आप क्या है कि ये सैंपल आप जब अपनी पार्टी को शो करेंगे कि ये सूट बनने के बाद, पहनने के बाद ये कैसा सामने वाले को लगेगा या दिखेगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आई होप ये दोस्तों आपको पता चला होगा कि किस तरीके से आप इजीली एक सैंपल तैयार कर सकते हैं एकदम व्यवस्थित लाइटनर्स के साथ, और इसे सैंपल का उपयोग आप अपने पार्टी को दिखाने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।